गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे किलोवाट से एम्पियर निकालना, यानी कि किलोवाट से एम्पियर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग एचपी से एम्पियर निकाले थे, यानी कि हॉर्स पावर से एम्पियर, ये किलोवाट से केडब्ल्यू से एम्पियर, ठीक है ना। तो ये आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे केडब्ल्यू से एम्पियर निकालना, ठीक है, एम्पियर, ठीक है ना। किलोवाट से एम्पियर हम लोग निकालेंगे कितना होगा, ठीक है। तो देखिए किलोवाट, ठीक है, हमको निकालना क्या है, एम्पियर, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, किलोवाट से एम्पियर निकालना है, तो किलोवाट से एम्पियर कैसे निकाला जाता है, ये देखिए किलोवाट से एम्पियर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में जानने के लिए कुछ विशेष जो है एक ट्रिक है, ठीक है ना। उस ट्रिक से, यानी कि उस फॉर्मूले के अनुसार किलोवाट से एम्पियर को निकाला जाता है, ठीक है। देखिए किलोवाट से एम्पियर का निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरी होता है। देखिए पावर का कैलकुलेशन जो होता है ना, फर्स्ट में तीन सेक्शन में होता है, पावर का कैलकुलेशन तीन में होता है। किस में? एक किलोवाट में, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, एक किलोवाट में, ठीक है, दूसरा वाट में, और तीसरा एचपी में, ठीक है। इसमें ये तीनों में जो है पावर का जो है कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, पावर का कैलकुलेशन ये तीनों में किया जाता है, किलोवाट, वाट और एचपी, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग किलोवाट में कर रहे हैं, किलोवाट से एम्पियर निकालेंगे, किलोवाट से एम्पियर निकालेंगे तो उसमें क्या क्या है, ये देखिए। जैसे किलोवाट से, जैसे कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मतलब बताएगा यू कि मैं, जैसे 5 किलोवाट का मोटर है तो कितना एम्पियर लेगा, ठीक है ना। तो जैसे कहने का मतलब है कि किलोवाट, ठीक है ना, किलोवाट से एम्पियर निकाल रहे हैं, तो जैसे किलोवाट बराबर कितना है, किलोवाट, के डब्ल्यू बराबर कितना, 5 किलोवाट, ठीक है ना, 5 किलोवाट, ठीक है ना। तो देखिएगा 5 किलोवाट जो है, अब इसका देखिए वोल्टेज कितना होना चाहिए, वोल्टेज, वोल्टेज बराबर कितना, कहीं 415 होता है और कहीं 420 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर 420 हम ले लेते हैं, ठीक है, 420 ले लिए। उसके बाद से अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन जरूरी होता है अगर कहीं भी इंटरव्यू देने जाने जा रहे हैं तो, ठीक है, कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अगर क्लाइंट के सामने बैठते हैं तो क्लाइंट आपसे पूछेगा कि किलोवाट से एम्पियर निकालना है, तो किलोवाट से एम्पियर निकालना है तो बता देगा कि 5 किलोवाट का मोटर है तो आप एम्पियर बताइए कि कितना एम्पियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किलोवाट यानी कि 5 है, तो जाहिर सी बात है कि आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि वोल्टेज हमारा पावर फैक्टर कितना है, उसके अनुसार हम एम्पियर निकाल के बताएंगे। अगर आप अपने मन से बताते हैं वोल्टेज और पावर फैक्टर को का कैलकुलेशन अपने मन से बताते हैं तो हो सकता है कि वो गलत बोल दे, यानी कि गलत हो ही जाएगा, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो राइट जो क्वेश्चन होगा वो आप पूछेंगे तभी जानेगा कि आप काम किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है पावर फैक्टर जो है 0.8 पावर फैक्टर होता है, ठीक है ना। और कहीं कहीं पावर फैक्टर जो है, जरूरी नहीं है कि 0.8 होगा, 0.99 भी होता है, ठीक है, 0.99 भी होता है, ठीक है ना। इसको जैसे पावर फैक्टर को, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा या कॉस फाई, पावर फैक्टर को कॉस थीटा या कॉस फाई बोलते हैं, जैसे पावर फैक्टर को ही, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बना है कि जैसे हमारा 5 किलोवाट का मोटर है, वोल्टेज है हमारा 420 वोल्ट और पावर फैक्टर जो है 0.8 है, ठीक है ना। तो इसको क्या हमको निकालना है, एम्पियर निकालना है, ठीक है ना। अब हमको बताना है कि एम्पियर कितना होगा, ठीक है ना, ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा कि एम्पियर हमको निकालना है, एम्पियर कितना होगा। देखिएगा पहले, सबसे पहले अगर ये किलोवाट में है ना, तो इसको
वाट में बदलना है, ठीक है ना। किलो वाट है तो इसको वाट में बदलना है। तो जैसे कहने का मतलब है, ठीक है, कि एक किलो वाट, ठीक है ना, एक किलो वाट बराबर 1000 वाट, ठीक है ना, एक किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, ठीक है, एक किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। अब देखिए यहां पर तो किलो वाट में है, ठीक है ना, कहीं कहीं एचपी में होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक एचपी बराबर 746 वाट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है हमारा किलोवाट एचपी हमारा किसमें निकालना है, किलोवाट में, ठीक है ना। तो अब देखिए किलोवाट में निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, अब फॉर्मूला है उसमें सेट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा है, जैसे एम्पियर को आई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, एम्पियर को आई से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, किलोवाट को वाट में बदलेंगे, लेकिन फर्स्ट में अभी फॉर्मूला चलते हैं कि फॉर्मूला उसका क्या होता है। और देखिए यहां पर पावर बटा वोल्टेज गुणे √3 गुणे पावर फैक्टर, चाहे कॉस थीटा कहिए या कॉस फाई बोलिए, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर हमारा जो है ये एम्पियर निकलेगा। तो देखिए अब क्या करते हैं, ठीक है, अब देखिए क्या है कि देखिए इसका जो है सिस्टम होता है। तो कहने का मतलब है कि एम्पियर बराबर, ठीक है ना, एम्पियर बराबर किलोवाट गुणे 1000, ठीक है, बटा। अब देखिएगा क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, किलोवाट से वाट में इसको बदलेंगे, ठीक है ना। तो किलोवाट से वाट में इसको बदलेंगे, ठीक है ना। तो किलोवाट से हम अगर वाट में बदलते हैं, किलोवाट से वाट में बदलते हैं तो उसको 1000 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से क्या होगा, 420 हमारा वोल्टेज गुणे और √3 का मान 1.732, ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई पावर फैक्टर को 0.8, ठीक है। इतना हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाइए इसको, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। जैसे किलोवाट यानी कि 5 गुणे कितना, 1000, अब बाटा, अब देख लीजिए 420 गुणे 1.732 इंटू 0.8, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखिए ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 5000, अब बाटा, नीचे पूरा गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 581, ठीक है, 581, ठीक है, 581। अब क्या करेंगे, इसको 5000 में 581 से भाग दे देंगे, इसमें इससे भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो जानते हैं कितना आएगा, 8.60, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्पियर, यानी कि 8.5 एम्पियर, ठीक है, 8.5 और 9 एम्पियर कहा जाएगा। तो एम्पियर हम लोग का कितना हो गया यहां पर, 8.60, कैलकुलेशन के अनुसार हमारा एम्पियर जो है 1.60
60 हो रहा है, यही इसका आंसर होगा। कहीं भी आपको निकालने के लिए दे दिया जाए तो थ्री फेस का मोटर का ऐसे निकाल दीजिएगा, सिंगल फेस का जो है हम अगले वीडियो में फिर लेकर हाजिर होंगे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।